हर साल की तरह इस साल भी प्रहार मिलिट्री स्कूल ने एजुकेशन विजिट का आयोजन किया था। बहुत दिनों से कर्नल सुनील देशपांडे की ये दिली तमन्ना थी कि प्रहार मिलिट्री स्कूल के बच्चों को शिवाजी महाराज के किले दिखाए जाए। यह इच्छा तब पूरी हुई जब CPN बरार कॉलेज तुलसीबाग के प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र नाइकवाड़े न्यू हाइकर्स ग्रुप का एक प्रस्ताव लेकर आए। इस ग्रुप के संचालक डॉक्टर शिवरत्न शेटे कोल्हापुर स्थित पन्हालगढ़ से पावनखिंड तक एक साहसी ट्रैक अर्थात जंगल भ्रमण का आयोजन करते हैं। प्रहार समाज जागृति संस्था का नाम तथा काम डॉक्टर शेटे को कई सालों से ज्ञात था। उनकी यह इच्छा थी कि प्रहार मिलिट्री स्कूल के बच्चों ने इस ऐतिहासिक जंगल भ्रमण में भाग लेना चाहिए। बिना कोई वक्त जाया किए कर्नल सुनील देशपांडे ने तुरंत हामी भरी। इट वॉज गॉड सेंट ऑफर। यह ट्रैक हर साल 12 जुलाई को शुरू होकर 14 जुलाई को समाप्त होता है, जिस दिन शिवाजी महाराज के शूर सरदार स्वामी भक्त बाजी प्रभु देशपांडे की पुण्यतिथि होती है। कक्षा 7वीं के बच्चों को इस उपक्रम के लिए चुना गया। जिन युवक युवतियों को भारतीय सेना में अफसर पद पर प्रवेश पाने की इच्छा होती है उन्हें प्रहार उपयुक्त जानकारी देते हुए मार्गदर्शन करता है। ऐसे ही 4 नवयुवक जो नेतृत्व गुणों से ओतप्रोत हैं, प्रहारी प्रणय, प्रहारी तेजस, प्रहारी आकाश तथा प्रहारी श्रीजन, इन्हें इंस्ट्रक्टर के रूप में चुना गया। इस पूरे उपक्रम के लिए बहुत तैयारी की गई और योजनाबद्ध तरीके से 10 जुलाई को हम सब प्रहारियों ने सेवाग्राम एक्सप्रेस से अपनी यात्रा आरंभ की। मुंबई पहुंचने के उपरांत CST रेलवे स्टेशन पर 26/11 के हमले में शहीद हुए लोग तथा सैनिकों के शहीद स्मारक को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद हम शाम को सह्याद्री एक्सप्रेस से निकल पड़े कोल्हापुर की ओर। कोल्हापुर पहुंचते ही डॉक्टर नाइकवाड़े ने रेलवे स्टेशन के पास हमारे नहाने का प्रबंध किया था। प्रहारियों ने बड़े फूर्ति दिखाते हुए तुरंत तैयार हो गए और नाश्ता कर डॉक्टर नाइकवाड़े के साथ पन्हालगढ़ किले के लिए बस में चल दिए। मौसम बहुत सुहाना था, हवा में हल्की हल्की सी ठंडक महसूस हो रही थी और जैसे ही हम पन्हालगढ़ के पास पहुंचे तो दृश्य तो देखते ही बनता था। शिवाजी महाराज जब पन्हालगढ़ में मौजूद थे तब सिद्धि जौहर नामक मुगल राजा ने 1,00,000 की फौज लेकर इस किले को घेर दिया और यह संकल्प किया कि वे शिवाजी महाराज को जिंदा पकड़ेंगे। 8 महीनों के लंबे इंतजार के उपरांत जब शिवाजी महाराज का राशन खत्म होने को आया तब उन्होंने एक अद्भुत योजना बनाई। शिवा का शेद नाम के एक शूर मराठा जिनका चेहरा छत्रपति से मिलता जुलता था बोल पड़े, महाराज या हिंद भी स्वराज्याला तुमचीच गरज आहे, तुमच्यासाठी 1,00,000 शिवा का शेद कुर्बान, तुम्ही विशाळगडाकडे कूच करा, येथे छत्रपतीचा वेश धारण करून मी सिद्धी जोहरकडे जातो। बारिश का मौसम शुरू हो गया था। सह्याद्री के उन घने जंगलों में कहते हैं कि उन दिनों इतनी जबरदस्त बारिश होती थी कि उड़ते परिंदे के पंख के ऊपर भी काई जम जाती थी। ऐसा मौसम सिद्धी जोहर के फौज से बचकर विशालगढ़ पर पहुँचने के लिए उपयुक्त था। जो ही शिवा काशीद की असलियत का पता चला क्यों ही उसे तुरंत शहीद कर सिद्धि जौहर की फौज चकमा देकर मुट्ठी भर मराठाओं के साथ भागने वाले शिवाजी महाराज का पीछा कर निकल पड़ी। बाजी प्रभु देशपांडे नामक शूर शौर्यवान उत्तम लड़वैया मराठा महाराज को बोल पड़े, महाराज आप निकलिए विशालगढ़ की ओर, सिद्धि की फौज को मैं यहीं पर रोक कर रखता हूँ और तब तक रोकूंगा जब तक विशालगढ़ पहुंचकर 3 बार तोफ गोले दागकर अपने सलामती का संदेश आप मुझ तक नहीं पहुंचाते। घमासान युद्ध, मानो बाजी के शरीर में 2 नहीं बल्कि 10 भुजाओं का बल आ गया हो। तोफे आधी मरे न बाजी संग मृत्युला। कहते हैं कि बाजी की जान कब से जा चुकी थी लेकिन स्वामी निष्ठ मराठा की मानसिक शक्ति देखो, जब तक कानों पर तोफ दागने की आवाज नहीं गूंजी तब तक बाजी के हाथ चलना बंद नहीं हुए। जिस रास्ते से छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वयं विशालगढ़ की ओर प्रयाण किया था वही रास्ते से हम 36 भाग्यशाली प्रहारियों को ट्रैक के दौरान गुजरना था। पन्हालगढ़ पहुंचते ही वीर शिवा काशी की समाधि पर प्रहार के संचालक कर्नल सुनील देशपांडे तथा प्रहार के विश्वस्त
फ्लाइंग ऑफिसर शिवालय देशपांडे ने समाधि का पूजन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। डॉक्टर शिवरत्न शेटे ने इन दोनों का मनोभावी स्वागत किया और फिर शुरू हुआ हमारा ऐतिहासिक ट्रिक। फ्लाइंग ऑफिसर शिवालय देशपांडे की अगुवाई में हम 35 प्रहारी जय भवानी जय शिवाजी के नारे लगाते हुए पूरे जोश से चल पड़े। लगातार हो रही बूंदाबांदी ने वातावरण पहले तो बड़ा सुहाना लगा, लेकिन रेनकोट पहनने के बाद भी शरीर जब गीला महसूस होने लगा तब समझ में आया कि ये बारिश अपने साथ तूफान भी लाई है। ठिठुरते ठंड में मानो हमारे कदम रुक रुक कर चल रहे थे। गीली मिट्टी में मानो हमारे चलने की रफ्तार धीमी हो गई थी, लेकिन शिवाजी महाराज के पद चिन्हों पर चलना ये सौभाग्य मानो हम सिर्फ 36 प्रहारियों को ही मिला था। नन्हे प्रहारियों में प्रचंड जोश तथा आत्मविश्वास झलक रहा था। घने जंगल में जब अचानक पत्थरों की चढ़ान आई तब हमारे इंस्ट्रक्टर्स की जोश भरे शब्द से निडर होकर हम सारे चढ़ने लगे। पहले दिन हमें 20 किलोमीटर का अंतर पार करना था। मसाई पठार पर पहुंचते ही प्रहारियों को थोड़ी थकान महसूस होने लगी थी, जहां हम सब ने रुककर खाना खाने का निर्णय लिया। मराठा मावड़ों की तरह दोनों हाथों में चपाती भाजी लेकर खाना हमने वहीं पर शुरू किया। खाना होते ही प्रहारी पूरे जोश से तेज बारिश और तेज ठंडी हवाओं में चल पड़े, और तब लगा खुशबू बनकर गुलों से उड़ा करते हैं, धुआं बनकर पर्वतों से उड़ा करते हैं, ये कैचियां क्या खाक हमें उड़ने से रोकेगी, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। बोल छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, बाजी प्रभु देशपांडे की जय। इन सब नारों के साथ गर्जना करते हुए हम तेज हवाओं को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। करीब करीब 4 घंटे बारिश में चलने के बाद जैसे जैसे हम अपने लक्ष्य के पास पहुंच रहे थे वैसे वैसे हमारी हर मुश्किल आसान होते जा रही थी। उसके बाद एक बहुत लंबा प्रवास आया। घुटनों तक कीचड़ भरे रास्ते में प्रहारी बस आगे बढ़ते ही जा रहे थे। ये प्रवास था हमारे आखिरी के 3 या 4 किलोमीटर का, क्योंकि लाल गीली मिट्टी से बने हुए कीचड़ को रौंदते हुए खुद को कीचड़ में गिरने से बचाते हुए एक दूसरे को हौसला देते हुए यह कठिन रास्ता हमने 1 घंटे में भगवान द्वारकाधीश का नाम लेते हुए पार किया और आ पहुँचे खोतवाड़ी नामक गांव में, जो हमारा पहला मुकाम था। जोरदार बारिश से मानो हमारी पक्की दोस्ती ही हो गई थी, जो थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। जैसे तैसे अपने शरीर पर लगे हुए कीचड़ को साफ कर खाना खाने के उपरांत नींद कब लगी यह पता ही नहीं चला। दूसरे दिन सुबह मूसलाधार बारिश ने हमारा स्वागत किया। ठंड में ठिठुरते हुए प्रहारी एक ही आवाज के साथ तुरंत उठ गए। आज का पड़ाव हमारे लिए बहुत जबरदस्त होने वाला था, क्योंकि हमें आज 35 किलोमीटर चलना था। बड़े जोरों शोरों से नारे लगाते हुए हम प्रहारियों का काफिला चल पड़ा। शिवाली मैडम के पीछे पीछे हम सब प्रहारी कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश तो कर रहे थे, मगर पहले दिन का कीचड़ में गिरने का हम सब का सिलसिला कुछ प्रहारियों को पीछे रख रहा था। प्रणय सर का जोश देना, श्रीजन सर का प्रहारियों को हंसाना, आकाश सर का कमान कमांडोस कहना और तेजस सर का प्यार से समझा बुझाकर थके हुए नन्हे प्रहारियों को आगे बढ़ाना हमें चलते रहने की प्रेरणा दे रहा था। मजा तो तब आया जब हमारे इस प्रवास में शिवाली मैडम के साथ साथ 4 सर लोग बारी बारी से कुछ ही दूरी पर धड़ाम से कीचड़ में फिसल गए। इस मुश्किल समय में प्रहारियों के चेहरे पर इंस्ट्रक्टर्स को गिरता देख जो मुस्कुराहट आई वही हमारा जोश दुगना कर गई। पत्थरों से भरी फिसलन, 2 चट्टानों के बीच संकरी नाले, घुटनों तक लगता कीचड़, सीधे ढलान और इतना घना जंगल कि जहाँ से ऊपर देखने पर आसमान भी न दिखाई दे। मूसलाधार बारिश, तेज हवाएं भी हमारा हौसला डगमगा नहीं सकी। कहते हैं ना, when the going gets tough, the tough gets going। तेजस सर ने तो मानो आधे प्रहरियों को अपनी जादू भरी बातों में सुलझा कर 25 किलोमीटर का फासला यूं ही तय करवाया। फिर हम लोग आ पहुंचे थे घने जंगल में एक शानदार झरने के पास, जहां प्रहरियों ने खूब मिलजुल कर मस्ती की। अब लग रहा था कि प्रहरियों के नन्हे कदम कुछ धीमे हो गए हैं,
10 किलोमीटर का फासला मानो हमें 10 घंटों का फासला लगने लगा था। यहाँ पर हमारे इंस्ट्रक्टर्स के नेतृत्व गुणों ने आधारशिला रखी। खाना खाने के उपरांत चलना और भी कठिन हो गया था। शिवाली मैडम के हौसलों तथा एक प्रहारी होने के जोश ने हमें प्रतिकूल परिस्थिति में आगे बढ़ता रखा। हम सब प्रहारियों के चेहरे तब चमक उठे जब पक्की सड़क 500 गज आगे दिखाई दी। बच्चों में स्फूर्ति आई और तेज गति से सड़क पर पहुंच गए, और तब मानो भगवान ने हमारी सुन ही ली जब पीछे से कर्नल देशपांडे की आवाज सुनाई दी, जय प्रहार प्रहारीज। अब तो बस हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था। सारी थकान मानो गायब हो गई थी, सारी भूख प्यास मानो मिट गई थी, और मानो जैसे अपने ही घर हम लोग पहुँच आए ऐसा महसूस होने लगा था। कर्नल देशपांडे के साथ आखिरी के 200 गज कैसे कट गए हमें पता ही नहीं चला। हमारे आखिरी दिन का पड़ाव 6 किलोमीटर अंतर पर पावनखिंड पर समाप्त हो रहा था। ये वो पवित्र जगह है जहां बाजी प्रभु देशपांडे ने घमासान लड़ाई में मुगलों का नामो निशान मिटा दिया था। इस दिन हमारे प्रेरणा स्रोत स्वयं कर्नल सुनील देशपांडे हमारे साथ चले थे। इस पवित्र भूमि पर बाजी प्रभु देशपांडे की समाधि का पूजन कर्नल सुनील देशपांडे तथा फ्लाइंग ऑफिसर शिवाली देशपांडे मैडम ने किया। अपने भाषण में कर्नल देशपांडे सर ने कहा कि यह यात्रा संपन्न करने वाला हर एक यात्री शिवाजी महाराज के फौज में एक मराठा जरूर था। फ्लाइंग ऑफिसर शिवाली देशपांडे ने डॉक्टर शेटे के प्रति आभार व्यक्त किया कि उन्होंने प्रहरियों को यह अद्भुत अवसर प्रदान किया कि जिस रास्ते शिवाजी महाराज गुजरे थे उस रास्ते की मिट्टी अपने माथे पर लगाकर स्वराज का जुनून महसूस करवा सके। यहीं पर हमारा ये अनोखा अद्भुत ऐतिहासिक रोमांचकारी ट्रेक समाप्त हुआ, जिसकी अविस्मरणीय यादें हम लेकर नागपुर की ओर चल दिए। वहां पुढ़े अमा धना जी बाज सांगती, वीर हो उठा कड़ाड़ तात नौबती, विजय घोष दुम दुमे पुन्हा दिगंतरी, पूर्व जा परी अमी अजिंक्य सत्वरी, घेव शत्रु वरी झेप वाघा परी, मृत्यु अम्हा पुढ़े घाबरे मर्द अम्ही मराठे। बोल छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। जय जय अजी प्रभु देशपांडे की जय। जय जय भारत घड़े। मराठी पाऊल पड़ते पुढ़े, मराठी पाऊल पड़ते पुढ़े।